मैं इस टैंक में प्लांटिंग करूँ, क्योंकि टैंक आपको 1 इंच सॉइल यूज करना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो प्लांट यहाँ पे मैंने जो सेपरेटली से जो सॉर्ट आउट कर दिया, और यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर इसका जो प्लांट है, तो आप इसे फ्यूचर यूज़ के लिए कहीं भी आप नॉर्मल सा पॉट में कहीं प्लांट कर सकते हो, अगर आपको इन फ्यूचर आपको नीड होगा तो। इसे प्लांट करने के लिए इसे जो प्लांटेशन के लिए जो है काफ़ी कम चीज़ें की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंड है, सॉइल है, गार्डन सॉइल है, और ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आप जैसे जैसे वॉश कर सकते हो, वॉश करने के बाद जो है यूज़ कर सकते हो। और मैं इसे प्लांट प्लांट जो इस टैंक में करूँगा, टैंक नहीं, एक आपने देखा होगा मेरे पिछले वाले एक वीडियो में जिसमें मैंने एक मल्टी लेवल टैंक बनाया था 2 फीट में। ये वाला प्लांट जो है मैंने कलेक्ट किया, इसको जो है मैं इस टैंक में प्लांटिंग करूँ, क्योंकि टैंक जो है ऐसे कैजुअली जो वेस्ट पड़ा था, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसे एक प्लांटेड टैंक बना दूँ। अब जैसे इसका जो लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ब्रेथ काफ़ी कम है, तो मैं इसमें ही जो प्लांटिंग करने वाला हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें प्लांटिंग कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है अच्छे से सॉइल यहाँ पे जो है दे दिया है। मिनिमम आपको 1 इंच सॉइल यूज़ करना है आपको, अगर अच्छा प्लांटेशन का ग्रोथ, अगर आपका प्लांट का जो ग्रोथ अच्छा चाहिए। और यहाँ पे जो है मैंने सैंड को भी अच्छे से धो लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऐड करने के बाद दिखाता हूँ आपको। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ बकोपास में है, उसे भी मैं इसमें ही प्लांट कर दूँ, क्योंकि सिर्फ एक स्पीसी का जो प्लांट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बकोपा भी इसमें जो है काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। तो चलिए मैं इसे भी प्लांट कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पे जो है मैंने जो है सारे प्लांट कर दिए, और इसमें कुछ डेकोरेशन का भी कुछ बाकी है काम, मैं वो जो है लेटर ऑन कर दूंगा। तो पहले मैं इसे सेट करता हूँ। पानी जो है मैं फिलअप यहाँ पर नहीं करूँगी, मैं मुझे टैंक को जहाँ पर रखना है मैं वहाँ पर जा कर के इसे वाटर में मैं इसको जो वाटर फिलअप करूँगा। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से सेटअप कर लिया है, और इसमें पानी जो है फुल यहाँ तक टॉप तक भर दिया। और आपको ये लग रहा हो कि इसके जो है मेंटेन कैसे करना, मेंटेनेंस में आपको ये 0 कॉस्ट मेंटेनेंस, क्योंकि ना ही मैं इसमें कोई फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, ना ही किसी टाइप का जो है कोई भी एक्स्ट्रा लाइटिंग वगैरह। जस्ट आप यहाँ पर एक छोटा सा 9 वॉट या 6 वॉट का बल्ब हैंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पर इस टाइप से कुछ पट्टी वगैरह देकर आप रख सकते हो। बट मेरे केस में क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे विंडो है, विंडो से काफ़ी अच्छा सनलाइट जो है नेचुरल सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है। बट एक्चुअली होगा क्या, नेचुरल सनलाइट की डिसएडवांटेज ये भी है, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट अगर इसके ऊपर गिरेगा तो यहाँ पर एलगी का जो है रेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब लाइटिंग। और यहाँ पे फिश आप मैं बता दूँ ऐड कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जस्ट छोटे साइज़ के फिश जैसे गप्पी, मॉलीज और विडोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं उन्हें जो भरना है। अगर आप टैंक अगर कुछ इस टाइप से 1 फीट या 2 फीट का है प्लांटेड टैंक, तो मिनिमम 10 पीस 5 8 पीस आप ऐड कर सकते हो बस, उससे ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको जो फिल्ट्रेशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो है उनका जो काफ़ी वेस्टेज होगा। इस वजह से आपका प्लांट में भी थोड़ा ग्रोथ में डैमेज कर सकता है। और मैं बता दूं आपको इसे मेंटेनेंस के लिए, इसमें नहीं आपको जो कई लोग बोलेंगे इसमें CO2 लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं आपको यहाँ पे कन्फेस कर दूं कि यहाँ पे बिल्कुल भी CO2 का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन CO2 प्लांट है। नॉर्मल आप नेटिव जितना ही प्लांट है मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है, तो जैसे आप देख सकते हो ये जंगल बेल, बकोपा, हाइग्रोफिला, या नॉन CO2 वाले प्लांट है, नॉर्मली जो है आराम से बिना CO2 के सर्वाइव कर लेते हैं। और अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो कमेंट बॉक्स या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। चलिए मैं इस वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे छोटे छोटे दो नहीं 3 या 4 पीस जो है मैंने गप्पी के जो है बेबीज यहाँ ऐड किए हैं। रिसेंटली मेरे गप्पी जो है फीडिंग गप्पी जो है बेबी दिए, तो इसको है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड बाय, एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर।